देखो बच्चों, हमने देखा था कि कोई भी हमें अगर डेसिमल एक्सपांशन दिया हुआ है तो उसे हमें पी बाई क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे सॉल्व करने के लिए। नाउ इन फ्रंट ऑफ अस वी कैन सी दैट देयर इज अ क्वेश्चन इन विच एक्सप्रेस 2.36 बार प्लस 0.23 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ओके, तो हमने क्या देखा था कि इस तरीके के एक्सप्रेशन को हमें क्या करना था, हमें ब्रेक करके और फिर उसे सॉल्व करना था। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस 2.36 बार, वी विल एज्यूम इट एज एक्स। ओके, लेट दिस 2.36 बार। ओके, सो सी हियर, आफ्टर डेसिमल देर इज अट नंबर 3 एंड देन देर इज अ रिकरिंग नंबर दैट इज 6666. ओके, एंड लेट y इज इक्वल टू 0.23 बार, ठीक है। अब हमने एक्सप्रेशन में देखा कि भाई हमें 2.36 बार मतलब डेसिमल के बाद में एक कोई नंबर है, फिर उसके बाद हमें एक रिकरिंग नंबर दिख रहा है ना, देन प्लस 0.23 बार, फिर एडिशन में आगे हमें डेसिमल के बाद में टू नंबर्स का जो सेट है वो रिपीट हो रहा है, जैसे 2 3 2 3 2 3 2 3 ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसको लिया पहले x इज इक्वल टू 2.36 बार। अब हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद वाले रिपीटेटिव नंबर को हमें डेसिमल के आगे लाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में डेसिमल के बाद में एक यूनिट नंबर 3 है जो रिपीटेटिव नहीं है, जो रिपीटेटिव नहीं है, तो हम पहले उसको आगे लाएंगे, ठीक है। अब ये 3 को हमें आगे लाना है, डेसिमल के बाद में यूनिट नंबर है, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। ओके, सो मल्टीप्लाई बाय 10, सो व्हाट वी विल गेट हियर, वी विल गेट 10x इज इक्वल टू 23.6 बार, राइट, 10x इज इक्वल टू 23.6 बार, इसको हमने नंबर 1 नाम दे दिया, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। डेसिमल के बाद में 3 था, फिर 3 के बाद में एक रिकरिंग नंबर था, रिपीटेटिव नंबर था, तो हमें पहले जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद उसे हमें आगे लाना है, ठीक है, उसके बाद हमें डेसिमल वाले नंबर को चेक करना है, डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहा है उसे चेक करना है, ठीक है। नाउ व्हाट वी गॉट, 23.6 बार। नाउ अब ये जो नंबर है वो क्या है, 23.6666 इस तरीके से, तो ये इसको हमने क्या किया, वी अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 10, वी अगेन मल्टीप्लाई इट बाय 10, हमने इसको वापिस 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा, 100x इज इक्वल टू 236.6 बार। अब डेसिमल के बाद हमें रिपीटेटिव रखना पड़ता है, तो ये रिपीटेटिव हमने रख दिया, और डेसिमल से पहले भी हमें एक रिपीटेटिव नंबर लाना पड़ता है, तो वो भी हमने ला दिया, ठीक है, तो इसे हमने नाम दे दिया 2। ओके, नाउ सबट्रैक्ट दिस सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम 1। ओके, नाउ 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 236.6 बार माइनस 23.6 बार। ओके, सो व्हाट वी विल गेट, 100 माइनस 10x इज 90x एंड 6 बार 6 बार डेसिमल के बाद हमारा चला गया, 236 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 6 और 3 3 आ गया, ठीक है, 1 आ गया, 2 आ गया, 230। ओके, सो x इज इक्वल टू 213/90, ये आ गया फ्रैक्शन में, इस डेसिमल, ये डेसिमल एक्सपेंशन की वैल्यू हमें मिली यहाँ पे x, इसको हमने x एज्यूम किया था, ठीक है, इसको y क्या था, इसको भी हम निकाल देते, राइट। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर है, तो हम क्या कर देंगे, हमें डेसिमल के बाद रिपीटेटिव को डेसिमल के पहले लाना पड़ता है, सो वी आर हैविंग अ ग्रुप ऑफ 2 नंबर रिपीटेटिव, सो वी विल ब्रिंग दिस रिपीटेटिव नंबर बिफोर डेसिमल। ओके, सो देर आर 2 नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 100y इज इक्वल टू 23.23 बार, ठीक है,
इसको हमने वन दे दिया नाम और इसको टू, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन टू फ्रॉम वन, व्हाट विल गेट, हंड्रेड वाई माइनस वाई, ओके, एंड 23.23 बार माइनस 0.23 बार, ये कट गया, बचा क्या हमारे पास में 23, ठीक है, क्या बचा हमारे पास में 23, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 99 y इज इक्वल टू 23, देयरफॉर y इज इक्वल टू 23/99, ओके, 23/99, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, हम बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और उसको ऐड कर देंगे और उसका एलसीएम है वो जो भी है आपको करना है, ठीक है। तो 213 upon 90 प्लस 23/99, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद में इसको आगे जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा दैट इज योर आंसर, अंडरस्टूड, ओके। ओके, नाउ देयर इज वन क्वेश्चन, सी हियर, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेटिव ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। हमें कभी भी अगर कोई पी बाय क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे तो p बाई क्यू के फॉर्म में फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे हमने जैसे मान लिया फॉर 1/n, 1/17 को 1/n मान लिया, तो ये जो रिपीटेटिव एक्सपांशन के अंदर जो रिपीटेटिव नंबर होंगे वो कितने होंगे आपके n माइनस 1 होंगे, वो कितने होंगे n माइनस 1, जैसे 1/17 हमें दिया है तो n क्या है हमारा 17 है, तो रिपीटेटिव नंबर होंगे 17 माइनस 1, दैट इज 16, ठीक है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेटिव ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, कि भाई 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटेटिव नंबर के डिजिट कितने होंगे, तो रिपीटेटिव नंबर के डिजिट 16 होंगे। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये आप लिख लो, इसको ध्यान रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि विदाउट कैलकुलेशन आप बताइए कि ये जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है इसमें रिपीटेटिव नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में कितने आएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1/n आपको दिया हो तो आप सीधा n माइनस 1 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इतने नंबर रिपीटेटिव डिजिट में आएंगे। नाउ इरेशनल नंबर्स, ओके, एंड इरेशनल नंबर इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल that it cannot be written in the form of p by q where p and q are both integers and q is not equal to 0. Irrational number वह सारे number होंगे जो कि non-terminating होंगे, ठीक है, जो कि क्या होंगे, non-terminating, ठीक है, जो कि कटते नहीं होंगे पूरे पूरे और decimal के बाद में recurring भी नहीं होंगे, they will not be repetitive decimal के बाद, ठीक है। और ऐसे नंबर जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, cannot be written in the form of p by q, ठीक है, और जहां पर p और q क्या है, integers है और q is not equal to 0, मतलब सीधा सीधा कि हमने जो rational नंबर देखा था उसमें दो कंडीशन थी rational नंबर्स में, एक तो ये कंडीशन थी कि अगर कोई फ्रैक्शन है p by q तो वो rational नंबर जब होगा, जब वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग होगा तो वो रिपीटेटिव नहीं होगा, ओके, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो क्या होगा, रिकरिंग होगा, मतलब रिपीटेटिव होगा। लेकिन इरेशनल के केस में अलग है थोड़ा, इरेशनल नंबर वह सारे नंबर होंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटेटिव होंगे, मतलब नॉन रिकरिंग होंगे, वह सारे नंबर क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। अब इरेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे रूट टू है तो रूट टू की वैल्यू होती है 1.41421 एंड सो ऑन, ऐसे चलती जाती है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद में ये रिपीटेटिव नहीं है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है,
ये एक नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटेटिव नंबर है, ठीक है, ये चलता जा रहा है। तो इस तरीके के नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो रूट टू एक क्या है, इरेशनल नंबर है। वैसे ही रूट थ्री, उसकी भी वैल्यू क्या है, 1.732050807 एंड सो ऑन चलती जाती है, ठीक है। तो रूट थ्री भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वैसे ही पाई, पाई की वैल्यू भी 3.14 एंड सो ऑन ऐसे आगे चलती जाती है, ठीक है। इट गोज ऑन एंड गोज ऑन, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। सो द पाई इज ऑल्सो अ इरेशनल नंबर, ओके, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेटिव, नॉन रिकरिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। सारे रूट वाले नंबर, जितने भी रूट वाले नंबर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है, जैसे मान लो रूट में 16 दिया हुआ है तो ये तो 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो रूट में 9 दिया हुआ है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 625 हो गया, है ना, 25 हो गया। तो ऐसे जितने भी नंबर्स, ऐसे जितने भी नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर है रूट में, वह सारे इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, वह सारे इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन अदर देन दिस, ऑल द नंबर्स विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड विच कम्स अंडर रूट, ऐसे सारे के सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन वो रूट में आते हैं, वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। ऐसे ये हमें याद रखना है, वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिलकर के रियल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, सारे के सारे नंबरों का ग्रुप, सारे के सारे नंबर इसके अंदर आते हैं, रियल नंबर के अंदर, ठीक है। तो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर कंबाइंड टुगेदर इन दे फॉर्म रियल नंबर, ओके। रैशनल नंबर ऐसे नंबर है जिन्हें हम p / q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर ऐसे नंबर है जिन्हें हम p / q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे दो रैशनल नंबर का अगर हम एडिशन करें तो वो रैशनल नंबर बनेगा, दो रैशनल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो रैशनल नंबर बनेगा, दो रैशनल नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करें तो भी वो रैशनल नंबर बनेगा, दो रैशनल नंबर का हम डिविजन करें, है ना, तो भी वो एक रैशनल नंबर बनेगा, ठीक है। सो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन ऑफ बिटवीन टू रैशनल नंबर्स विल गिव राइज टू रैशनल नंबर, ओके। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इरेशनल नंबर के केस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या डिविजन होता है दो इरेशनल नंबर के बीच में। तो जरूरी नहीं है कि आपको रैशनल मिले या इरेशनल मिले, आपको रैशनल नंबर भी मिल सकता है और आपको इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने r = 2 + √2 लिया और s = 2 - √2 लिया, ठीक है। तो मैंने r + s, ठीक है, ये दो नंबरों को मैंने ऐड किया तो 2 + √2 2 + √2 + 2 - √2 √2 कट गया, बचा गया 4। तो हमें ये देखने को मिला कि जब हमने दो इरेशनल नंबर को जोड़ा, ऐड किया, तो हमें रैशनल नंबर मिला, ठीक है। सेम केस यहाँ पे r = s किया, मैंने r√2 लिया और s किया लिया 3√2। अब r = s का मल्टीप्लिकेशन तो √2 × 3√2 √2 √2 क्या हो गया, √2² × 3। अब जब स्क्वायर का रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो क्या बचा, ये 2 बचा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 6। तो इस केस में भी हमने ये देखा कि जब हमने दो इरेशनल नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो हमें ये देखने को मिला कि हमें रैशनल नंबर मिला, ठीक है। कभी कभी इसके कभी कभी कई केसेस में अलग भी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, मान लो 2/√2 दिया है आपको, ठीक है, r/s, आपको r की वैल्यू 2 दी है और s की वैल्यू √2 दी है और आपको क्या करना है, 2/√2 डिवीजन दिया हुआ है। तो मालूम है हमें 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो √2² से रूट कट जाएगा तो 2 ही बचेगा, 2 को √2 × √2 लिख सकते हैं और डिवीजन के लिए क्या √2 है, ये कट गया तो हमें क्या मिला, इरेशनल, ठीक है। जब हमने एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया तो हमें इरेशनल नंबर मिला। तो हम यह कंफर्म नहीं बोल सकते किस केस में, इरेशनल के केस में, कि जब कभी कोई
रैशनल और इरेशनल, ठीक है, या इरेशनल और इरेशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा तो क्या हमें रैशनल नंबर मिलेगा या इरेशनल नंबर मिलेगा। ओके, नाउ सी देयर इज अ क्वेश्चन, एग्जामाइन नंबर इज एन रैशनल और इरेशनल। हमें एक नंबर दिया हुआ है और हमें ये उसको सिंप्लीफाई करके चेक करना है कि ये जो नंबर है ये रैशनल है या इरेशनल है, ठीक है। तो हमें नंबर दिया गया है रूट टू प्लस टू का स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमें मालूम है कि भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसे हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर मतलब रूट टू का स्क्वायर प्लस टू ए बी मतलब टू इंटू ए मतलब रूट टू इंटू बी मतलब टू प्लस बी स्क्वायर मतलब टू का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें मालूम है जब हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टू प्लस टू टू जा फोर, फोर रूट टू प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस टू कितना हो गया सिक्स, प्लस फोर रूट प्लस फोर रूट टू, सिक्स प्लस फोर रूट टू, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और मैं आगे सॉल्व करूँ तो यहाँ से मैंने मानो टू कॉमन ले लिया, टू थ्री का सिक्स प्लस टू रूट टू, ठीक है। तो हमारे पास में ये नंबर आया, ठीक है। तो ये जो नंबर है सिक्स प्लस फोर रूट टू, ठीक है। तो ये नंबर एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर का एडिशन हो रहा है, लेकिन ये पूरा नंबर क्या है, इरेशनल है। तो हम बोल सकते हैं कि सिक्स, हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिक्स इज अ रैशनल नंबर, फोर इज अ रैशनल नंबर, बट रूट टू इज इरेशनल नंबर, सिंस फोर इज मल्टीप्लाइड बाय रूट टू, सो फोर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, एंड हैंस सिक्स इज एडेड इन फोर रूट टू, सो द कंप्लीट सिक्स प्लस फोर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये जो नंबर हमें दिया गया था, इन्होंने हमसे पूछा कि इसको चेक करो ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर जो आया तो हमें आंसर में ये देखने को मिला कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें भी हमें चेक करना है कि भाई ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है टू माइनस रूट टू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस रूट टू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से a माइनस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ओके, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी a माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे ओपन करते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो ये हमारा a माइनस बी a प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारा a क्या है, टू है, और b क्या है, रूट टू है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए क्या टू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, माइनस रूट से स्क्वायर कट गया बचा टू, फोर माइनस टू टू। तो हमें ये देखने को मिला कि जब हमने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया तो जो हमारा आंसर आया वो क्या है, टू आया। और टू क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम बोल सकते कि भाई ये जो द गिवन एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या दिया गया है, सिक्स अपॉन थ्री रूट टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिक्स अपॉन थ्री रूट टू दिया गया है, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें बताना है क्या ये फ्रैक्शन जो है वह रैशनल है या इरेशनल है। तो हमने क्या किया, इसको लिखा सिक्स अपॉन थ्री रूट टू, ठीक है। तो ये सिक्स डिवाइड होता है, थ्री वन जा थ्री, टू जा सिक्स, बचा क्या, टू अपॉन रूट टू। हमें मालूम है कि भाई टू जो है उसको हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रूट टू इंटू रूट टू क्या होता है, रूट टू का स्क्वायर होता है, ठीक है, और स्क्वायर से रूट कट गया तो वापस क्या, टू हो जाएगा। तो टू को हम रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं। तो टू की जगह हमने लिखा रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू, अब डिवाइड में एक रूट टू कट गया, बचा गया रूट टू, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि भाई जब हमने ये फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में इरेशनल नंबर आया, अगर
क्योंकि ये ही रैशनल नंबर है, तो जो आपने सवाल हमें दिया है वो भी क्या है, इरेशनल। ठीक है, अंडरस्टूड। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है रूट सेवन माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और ये वाला जो क्वेश्चन है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आइडेंटिटी लगानी है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और सॉल्व करने के बाद में आपको बताना है कि सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन एंड चेक, ठीक है, एंड चेक वेदर द आंसर इज रैशनल और इरैशनल, और हमें ये बताना है कि जो हमारा आंसर आएगा वो रैशनल है या इरैशनल। तो ये रूट थ्री प्लस रूट टू का होल स्क्वायर, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, रूट सेवन माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी। अब ये आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये है आपकी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप ये आइडेंटिटी लगाएंगे इन दोनों क्वेश्चंस में, इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसे चेक करेंगे वो रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, दिस इज योर वर्क, दिस यू हैव टू कंप्लीट इट। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज गिवन दैट रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमें दो क्वेश्चन दिए गए और हमें कहा है कि इनके डिनोमिनेटर को क्या करो, रैशनलाइज करो। ठीक है, जब भी हमें कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए और हमें वह कहता है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, ठीक है, न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका जो साइन है उस साइन का अपोजिट साइन लगाकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, व्हाट वी विल डू, वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर, ओके, वी विल मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर बाय चेंजिंग द साइन ऑफ द डिनोमिनेटर। ओके, सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, इट इज वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री गिवन। ठीक है, अब हमें इसको रैशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना है, इसका जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वन अपॉन टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, माइनस साइन आ गया, यहाँ प्लस था, साइन हमें चेंज करना था, तो टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, और टू माइनस रूट थ्री, ठीक है, सेम ब्रैकेट में रखते हैं। अब ये कुछ इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, वन इंटू टू माइनस रूट थ्री हो जाएगा टू माइनस रूट थ्री। ठीक है, और ये देखो आप ध्यान से, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए क्या हमारा टू है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है रूट थ्री है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये टू माइनस रूट थ्री आ गया, टू का स्क्वायर हमारा फोर हो गया, माइनस रूट से स्क्वायर कट गया, बचा गया थ्री, तो टू माइनस रूट थ्री अपॉन वन, फोर माइनस थ्री वन, ठीक है, देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ गया, टू माइनस रूट थ्री, ये हमने रैशनलाइज किया इसको। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया जाए और आपसे कहा जाए कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कीजिए, तो आपको इस तरीके से डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर जो भी आपको दिया गया है उसके साइन को आप चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे सेम हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये जैसे वन अपॉन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन अपॉन सेवन प्लस थ्री रूट थ्री, सेवन प्लस थ्री रूट थ्री, ठीक है, यहाँ पे टू प्लस रूट थ्री था, अकेला रूट नंबर था, यहाँ पे रूट नंबर के साथ में एक दूसरा नंबर है, तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, हमें साइन चेंज करना है। ठीक है, और कैसा भी आपको कैसा भी फ्रैक्शन नंबर दिया हुआ हो, आपको जब रैशनलाइज का बोले तो आपको डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे साइन चेंज करके, सेवन माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है, अपॉन सेवन माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट में ले लेते, तो वन इंटू दिस ये हो जाएगा सेवन माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है, अपॉन में ये ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेवन का स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री का स्क्वायर। ठीक है,
अब ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री का स्क्वायर, तो हमारा रूट थ्री का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट गया तो बचेगा थ्री, और थ्री का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन, और नाइन थ्री जा 27, ये वाला थ्री इसका थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा, तो नाइन थ्री जा 27, और ये सेवन सेवन जा 49, तो नीचे क्या आ जाएगा 49 माइनस 27, और ऊपर 7 माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है। तो ये थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, फिर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो गया, ठीक है। तो नाइन थ्री जा 27, और सेवन का स्क्वायर 49, और सेवन माइनस थ्री रूट थ्री, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसे आगे, सेवन माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन, अब 49 में से 7 गया तो कितना बचा आपका 2 और 22, ठीक है, 22 बचा आपका, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। इन दिस वे यू हैव टू रैशनलाइज योर डिनोमिनेटर एंड यू हैव टू फाइंड योर आंसर, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.5, उसमें आपको क्वेश्चंस दिए गए जिसमें आपको रैशनलाइज भी करना है, और कुछ क्वेश्चन दिए गए जिसमें आपको बताना है कि भाई नंबर रैशनल है या इरैशनल है बताइए, ठीक है। और तो 1.5 एक्सरसाइज को आप अच्छे से कीजिए, इट इज़ वेरी इजी। हमने सारे के सारे कंसेप्ट देख लिए, हमने हमारा नंबर सिस्टम का जितना भी बेसिक्स था, जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे देख लिए। सारे लेक्चर आप अच्छे से देखो, उसे बार बार देखो, उसके बाद आप आपके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो, ठीक है। और उसके बाद में हमारा एक लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट टॉपिक यह है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। हमें कोई रियल नंबर दिया गया है, जैसे ए कोई रियल नंबर दिया गया है, उसके जो एक्सपोनेंट्स, उसके जो पावर है, एक्सपोनेंट्स मतलब पावर है, उन एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज है, ठीक है। अगर हमें पहला ये है कि अगर नाउ वी हैव गिवन द फर्स्ट एक्सप्रेशन ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ठीक है। हमें कोई रियल नंबर दिया गया है और उसके एक्सपोनेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, और a की पावर m इंटू ए की पावर n दिया गया है, तो हम उसे क्या लिखेंगे, a की पावर m प्लस n, ओके। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3 दिया है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 की पावर m प्लस n, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, हमने एलसीएम ले लिया 2 की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, दैट इज 2 की पावर 3 अपॉन 3, दैट इज 2, ओके। तो इस तरीके से आपको ये फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, और इसे ध्यान रखना है दैट व्हेन टू रियल, व्हेन वन रियल नंबर द बेस इज सेम एंड रियल नंबर इज देयर एंड देयर आर डिफरेंट एक्सपोनेंट्स, देन दैट एक्सपोनेंट्स विल ऐड अप, ओके, ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्सपोनेंशियल लॉ है आपका रियल नंबर का, ए की पावर एम और उसकी पावर एन, ठीक है, ए की पावर एम और उसकी पावर एन, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर m इंटू एन, ठीक है, a की पावर m और उसकी पावर n दिया है आपको, तो a की पावर m इंटू एन हो जाएगा। जैसे ये 3 की पावर 1 अपॉन 5 फिर उसकी पावर 4 दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 1 अपॉन 5 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 4 अपॉन 5, ओके। उसके बाद अगला देखिए, अगर आपको a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n दिया है, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर m माइनस n, ये n जब ऊपर आएगा एक्सपोनेंशियल तो माइनस हो जाएगा, लेकिन m क्या होना चाहिए, n से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखो आप a की पावर 1 अपॉन 5 और a की पावर 1 अपॉन 3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर, ठीक है, m माइनस n मतलब a की पावर 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, इसको आप एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये आपका 7 की पावर आप एलसीएम लो, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, डिनोमिनेटर में 15, ठीक है, और 3 हो जाए 3 - 5 -2, तो ये -2 अपॉन 15, 7 की पावर क्या हो जाएगा -2 अपॉन 15, ठीक है, 3 - 5 -2 एंड 5 3 15, 7 की पावर -2 अपॉन 15, तो ये a की पावर m और a की पावर n हो तो वो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n,
ए की पावर एम, ए की पावर एन, ए की पावर एम माइनस एन, ओके। नाउ लास्ट वन, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी दो अलग अलग बेस है, दो अलग अलग रियल नंबर है, लेकिन उनके पावर क्या है, सेम है। अगर दो अलग अलग रियल नंबर के पावर सेम हो, ठीक है, तो वो दोनों रियल नंबर मल्टीप्लाई होकर पावर सिंगल आ जाएगी। जैसे ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम दिया हुआ है, तो ए इंटू बी की पावर एम हो जाएगा। देखिए यहाँ ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए इंटू बी की पावर क्या हो जाएगा, एम, मतलब 1/5, ठीक है। दिस इज योर आंसर, इसको आप सॉल्व करो और उसकी पावर 1/5 इज योर आंसर। तो ये आपका एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉज है, ठीक है। इसके बिहाफ पे आपकी एनसीईआरटी की लास्ट वाली एक्सरसाइज है, उसको आप सॉल्व कीजिए, इस तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है, क्वेश्चन। और सारे बेसिक्स आपको ध्यान में रखने हैं, हमने सारी चीज़ें देख ली है, हमने नंबर सिस्टम के सारे बेसिक कंसेप्ट देख लिए कि नंबर सिस्टम क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, या किसी डिनोमिनेटर को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि डेसिमल के बाद में कितने उसके नंबर आएंगे, रिपीटेटिव नंबर आएंगे, या फिर हम किसी भी नंबर को देख करके कैसे चेक कर सकते हैं रैशनल या इरैशनल है। तो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, हमें कंसेप्ट पावरफुल करना है, ठीक है, हमारा कंसेप्ट पावरफुल होना चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। और जब हमारा बेसिक्स और हमारे कंसेप्ट कंप्लीट होंगे, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। सारे क्वेश्चन नॉर्मल है, सिर्फ हमें बेसिक्स फॉलो करने हैं, हमें कंसेप्ट फॉलो करने हैं, और हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से नंबर सिस्टम को प्रैक्टिस कीजिए और सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखिए, और जितना भी ये बोर्ड पर हमने लिखा है, पढ़ा है, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और रिवाइज कीजिए।